अब आपके मुंह से कोई सही बात तो निकलनी है नहीं, इसलिए बेहतर होगा कि आप एक शब्द भी और ना बोलें। तुम्हारे मुंह से बात सुनकर मुझे हैरानी भी नहीं होती अरमान, क्योंकि तुम्हें गैरों का साथ देने की आदत पड़ गई है। तो आपने कौन सा अपनों का साथ दे लिया फुफासा? अपने बेटे तक की मदद तो आपसे हुई नहीं, और आप मुझ पर और सर पर उंगली उठा रहे हैं। मैं उसके साथ जैसे भी पेश आऊं, मैं उसका बाप हूं, तुम दोनों को क्या? ये बात हमें याद है, पर शायद आप भूल गए हैं। अगर वो आपका बेटा है तो बेटे का साथ दीजिए ना। दुनिया का हर बाप अपने बेटे की कामयाबी चाहता है कि उसका सर कभी ना झुके, उसके सारे सपने पूरे। आप चाहते हैं कि आपका बेटा हारे, उसके सपने टूटे और वो आपके पैरों में गिरकर अपने सपने देखने के लिए आपसे माफी मांगे। अरमान, मुझ पर चिल्लाने से सच नहीं बदल जाएगा फुफासा। किस्मत ने आपको हीरा दिया है तो उसका साथ दीजिए ना, उसकी कदर कीजिए। हर कृष्ण ईमानदार है, मेहनती है, टैलेंटेड है, खुददार है, हिम्मत वाला है।